भाई साहब मैं इतना को ना इतना कहूंगा, हनुमान जी मेरे सपने में आए, कहने लगे रे बालक, रे धर्मपाल, मांग ले क्या मांगता है। मैंने सोचा ये आइसक्रीम और ये टॉफी जैसी टुच्ची चीज मांगने का क्या फायदा है, कुछ बढ़िया मांग लेता हूं। तो जी मैंने सोच साच गया, उनसे कहा कि महाराज मेरे को तो हंसता खेलता बचपन दे दो, अंगड़ाई लिखती जवानी दे दो और खुशहाल बुढ़ापा दे दो। तो हनुमान जी जैसे ही तथास्तु कहने वाले थे कि मेरी आंख खुल गई और उस बेसब्री का नतीजा आज तक भुगत रहा हूं। होया के बचपन में मेरा बापू मर गया, पूरे घर की जिम्मेदारी मेरे कंधों पे आ गई, मेरा छोटा भाई है ना शिशुपाल, उसको मैंने अपने बच्चों की तरह पाला है, और मेरा ना एक ख्वाब था कि वो प्रोफेसर बन जाए, पर उसने भी लीदे कर दी। उसी कॉलेज में एब कलर की नौकरी बजा रहा है, और देखो जी उसके बाद आ गई जवानी। तो जवानी में हमारी लव की पिंगे चढ़ती, उससे पहले गृहस्थी का बोझ आ पड़ा और उसके बोझ के नीचे दबके मारे लव ने तो प्राण त्याग दिए जी। और हनुमान जी का गुस्सा यही नहीं रुका मेरी गृहस्थी में आके, है जी मने के मांगा था, मने कह जी एक बालक दे दो और वो भी छोरा दे दो। उन्होंने दिया क्या, छोरी और वो भी दो दो। और उसके बाद इब शरीर में लग गई बीमारी, उसका इलाज कराने खातर वो दुकान में मॉर्गेज करनी पड़ गई। पर जी वो जो दो छोरी है ना मेरी, मेरे को जान से प्यारी है, मेरी आंखों का हीरा मोती है, हीरा मोती। उनके लिए मैं जान दे भी सकता हूं, और हां अगर उन्होंने कोई ऊंच नीच कर दी ना तो मैं जान ले भी सकता हूं। मैं जितना दिल का नरम हूं नी उतना ही कठोर भी हूं, बता देता हूं। हाँ,